तो आखिर वन पीस है क्या? व्हाट इज वन पीस? रॉजर का लेजेंडरी ट्रेजर जो कि ग्रैंड लाइन के बिल्कुल एंड में लोकेटेड है, मोस्ट डेंजरस एंड चैलेंजिंग सी रूट इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। वैसे तो वन पीस को पाना अपने आप में ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिसके पास भी वन पीस होगा वो पायरेट किंग बन जाएगा। अगर इस ट्रेजर वाली बात को साइड रखें तो वन पीस के पीछे बहुत सी फैन थ्योरीज है। जब लूफी की जर्नी बहुत बड़ी हो जाती है तो उस जर्नी को याद रखने के लिए उसे नाम देता है वन पीस। कुछ फैन थ्योरीज कहती है कि वन पीस हिस्ट्री का वो मिसिंग पार्ट है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। एंड सम थ्योरीज से वन पीस किसी भी मरे हुए पर्सन को वापस लेके आ सकता है। जितने भी स्ट्रॉ हैट पार्ट्स में मेन क्रू मेंबर्स हैं उनकी जिंदगी में एक पर्सन है जिन्हें वो वापस लेके आना चाहते हैं, जैसे कि जोरो इक्वल्स टू क्यूना, लूफी इक्वल्स टू एस, रॉबिन एंड नामी हर मदर। बट मैं जिस थ्योरी के साथ जाने वाला हूँ वो है फ्रीडम। वन पीस इज ऑल अबाउट फ्रीडम। अब फ्रीडम बहुत बार लूफी और रॉजर ने वन पीस के अंदर हाईलाइट किया है। इस थ्योरी को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा रेड लाइन को, लाल रेखा। रेड लाइन वन पीस के वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, जो कि काम करता है एक नेचुरल बैरियर की तरह। रेड लाइन सेपरेट्स फोर सीज, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू। रेड लाइन अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू मेंटेन कंट्रोल ऑल ओवर द सी। रेड लाइन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। एंड रेड लाइन से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो है पायलट। तो रॉजर रेड लाइन को खत्म कर देना चाहता था यूजिंग पोनीग्लिफ। जैसा कि तुम्हें पता होगा, फिर भी मैं बता, पोनीग्लिफ एंशियंट स्टोन आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर इंडिस्ट्रिक्टेबल मैसेजेस छोड़े गए हैं एंशियंट सिविलाइजेशन, जिन्हें हम वॉल सेंचुरी के नाम से जानते हैं। पोनीग्लिफ्स के अंदर इंफॉर्मेशन है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वन पीस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ एंशियंट वेपन नोन एज प्लूटोन। प्लूटोन उन तीन एंशियंट वेपन में से है जो कि मास डिस्ट्रक्शन के केपेबल। रॉजर एंशियंट वेपन का यूज करके रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करके चार सीज को यूनाइट करना चाहता था और उसको नाम देता वन पीस। लेकिन रॉजर ये चाहकर भी काम नहीं कर पाता कि रॉजर को था एक इनक्यूरेबल डिजीज, इसलिए उसने सोचा कि उसकी जगह ये काम कोई और करे। उसने गवर्नमेंट को यह पता चलने दिया कि वो रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने वाला है और उसने अपना एजुकेशन प्लान किया। जब रॉजर का एजुकेशन हो रहा था तो उसने पूरी दुनिया के सामने बताया,俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。तो इस वाले थ्योरी के साथ सांजी का ड्रीम बिल्कुल फिट बैठता। तुम्हें सांजी का ड्रीम तो याद ही होगा, सांजी का ड्रीम था ऑल ब्लू को देखना। ऑल ब्लू जो कि लेजेंडरी सी है, लोकेटेड इन द ग्रैंड लाइन, जहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ब्लू मछलियाँ एक जगह पर पाई जाती हैं। ऑल ब्लू पैराडाइज है फिशरमैन और क्रूक्स के लिए। वहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ फिश एंड सी क्रीचर्स पूरी दुनिया से एक ही जगह पर होते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब चारों सीज यूनाइट हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वन पीस इज रियल।